नमस्कार, फटाफट 100 में स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं सोनल दहिया। खबरों की शुरुआत करेंगे। बल्लभगढ़ हत्याकांड मामले की जांच अब 2018 से शुरू होगी। मामले को लेकर गृह मंत्री अनिल विज ने कड़ा रुख अख्तियार करते हुए बड़ा एक्शन लिया है। एसआईटी गठित कर मामले की 2018 से जांच करवाने के आदेश जारी। विज ने एसआईटी को लव जिहाद के एंगल से जांच करने की बात कही। विज ने कहा कि वो हरियाणा में ये गुंडाराज नहीं चलने देंगे, ना बेटियों को सिसकने देंगे। आरोपियों के रिश्तेदारों और कांग्रेसी नेताओं की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। गृह मंत्री अनिल विज ने कहा है कि हरियाणा में बेटियों को सिसक कर नहीं मरने दिया जाएगा। फरीदाबाद में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर निकिता के घर पहुंचे और परिजनों को सांत्वना दी। कृष्णपाल गुर्जर ने परिवार को आश्वासन दिया कि अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जाएगी। इंडिया न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में निकिता की मां ने कहा कि निकिता पढ़ने में बहुत होशियार थी और 2018 से ही मुख्य आरोपी तौसीफ धन बदलने के लिए उस पर दबाव बना रहा था। निकिता के पिता का कहना है कि उनकी जो मांग है वो सरकार के सामने उन्होंने रख दी है। निकिता की हत्या के आरोपी तौसीफ के लिए फांसी की मांग की गई। फरीदाबाद में निकिता हत्याकांड की जांच करने के लिए एसआईटी की टीम निकिता के घर पहुंची और परिवार से पूछताछ की। एसआईटी टीम ने परिजनों को जांच का भरोसा दिया। निकिता के घर महिला आयोग की सदस्य रेणु भाटिया भी पहुंची। उन्होंने पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिया। बबीता फोगाट ने ट्वीट कर कांग्रेस को निशाने पर लिया। ट्वीट कर लिखा कि हत्यारे से कांग्रेस का सीधा कनेक्शन है, इसीलिए राहुल और प्रियंका गांधी कुछ नहीं बोलेंगे, वोटों का सवाल। छात्रा हत्या मामले को लेकर पहलवान बजरंग पुनिया ने ट्वीट किया है, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए। लिखा कि अपराधी किसी भी धर्म का हो, अपराधी होता है। बजरंग पुनिया ने ट्वीट किया है कि निकिता को इंसाफ दिलवाना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। बहन बेटी को सुरक्षा नहीं दे सकते तो वैष्णो देवी और दुर्गा मां की पूजा का क्या फायदा। रादौर में बल्लभगढ़ में छात्रा की हत्या के मामले में गुस्साए बजरंग दल के सदस्यों ने चौक पर लव जिहाद का पुतला फूंका है और विरोध जताया। बजरंग दल के सदस्यों ने सरकार से आरोपी को फांसी दिए जाने की मांग की है। बीजेपी मंडल महामंत्री और बजरंग दल के प्रचार प्रमुख ने कहा है कि हमारी सरकार से मांग है कि आरोपियों को फांसी की सजा दी जाए। बजरंग दल के सदस्यों ने कहा है कि एक तरफा प्यार में छात्रा की निर्मम हत्या की गई, ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी न जाने कितनी बेटियां अपनी जान गंवा चुकी हैं। सरकार को ऐसे मामलों में तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। लव जिहाद के मामलों को रोकने के लिए रोहतक में विश्व हिंदू परिषद ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि धर्मांतरण को लेकर सरकार कड़ा कानून बनाए, नहीं तो समाज को उठ खड़ा होना। परिषद के केंद्रीय संयुक्त महामंत्री का कहना है कि लव जिहाद पूरे प्रदेश में गंभीर रूप लेता जा रहा है, ये आतंकवाद का दूसरा रूप है। जिस तरह से बल्लभगढ़ की घटना हुई है, ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सख्त कानून बनाना है। गायों की मौत की सूचना मिलने पर हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता पंचकुला के डीसी के साथ माता मनसा देवी गौधाम पहुंचे, जहां उन्होंने बीमार गायों के इलाज के बारे में डॉक्टर्स की टीम को पूरी जानकारी। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर बीजेपी से रणजीत चौटाला ने प्रेस वार्ता कर कहा है कि 5 साल तनख्वाह लेने वाला विधायक नहीं, विकास करने वाला विधायक बना। प्रेस वार्ता के समय रणजीत चौटाला ने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी का कोई भरोसा नहीं है, हार जीत का फैसला जनता करेगी, जीतने के बाद बीजेपी विकास करेगी। कोरोना काल में चुनाव आयोग ने बड़ौदा उपचुनाव में 3 कैटेगरी में 544 मतदाताओं की पोस्टल बैलेट पेपर पर वोटिंग करने का फैसला लिया है। 6 टीम नियुक्त की गई। 544 विशेष लोगों के घरों से पोस्टल बैलेट पेपर के जरिए वोटिंग करवाई जाएगी। वोटिंग करवाने के लिए वोटर्स के गेट से ही वीडियोग्राफी करवाने के निर्देश जारी किए गए और घर में मौजूद वोटर को एकांत में वोट डालने का अधिकार दिया गया। पंचकुला में 70 से ज्यादा गायों की मौत के मामला सामने आया है। माता मनसा देवी गौधाम में गायों की मौत हो गई है, जबकि 100 से ज्यादा गायों की तबीयत बिगड़ गई।
शुरुआती जांच में मामला फूड पॉइजनिंग का बताया जा रहा है। गायों की मौत का सही कारण पूरी जांच के बाद ही साफ होगा। गौशाला के दो शेड से विभाग की टीम ने पानी के और चारे के सैंपल। सोनीपत में मुद्दल के मशहूर ढाबे पर वेटरों की दबंगई का वीडियो वायरल हुआ है। सुखदेव ढाबे पर खाना खाने आए दो युवकों को वेटर ने बुरी तरह से पीटा। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में वेटर पहले कहासुनी करते हैं और फिर बुरी तरह से पीटते नजर आ रहे हैं। पुलिस का कहना है कि जिन युवकों की पिटाई हुई है उनकी कोई जानकारी नहीं है। करनाल की तरावड़ी में एक महिला ने पारिवारिक कलह के चलते अपने तीन बच्चों के साथ जहर खा लिया। जहर खाने के बाद महिला को उसके बच्चों के साथ नागरिक अस्पताल में भर्ती करवाया गया। अस्पताल में महिला समेत उसके बच्चों की तबीयत अभी सामान्य है। जहर खाने पर महिला का कहना है कि घर में कलह के चलते उसने फ्रिज में रखी जहरीली दवाई को बच्चों के साथ खा लिया। करावड़ी में करोड़पति व्यापारी दरियों पर बैठकर अपना हक मांग रहे हैं। उनकी मांग है कि पेमेंट जल्द से जल्द वापस कर उन सभी के खातों में भेजे सरकार। धरने के दौरान व्यापारियों ने सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की है। इन व्यापारियों के समर्थन में अब हरियाणा अनाज मंडी आढ़ती एसोसिएशन के सदस्य भी धरने पर बैठ गए हैं। भवानीखेड़ा में बस परिचालक की मनमानी का मामला सामने आया। बस परिचालकों ने कॉलेज की बस पास स्लिप को देखकर बीच राह में ही महिला कॉलेज छात्रों को उतार दिया। बस परिचालकों की मनमानी के बाद छात्राओं ने इस पूरे मामले की शिकायत भवानीखेड़ा बस अड्डा इंचार्ज से की। करनाल में पुलिस को कामयाबी मिली है। 18 से 19 लाख रुपए की कीमत की 45,800 नशीली गोलियां सहित दो आरोपियों को पुलिस ने काबू किया है। पकड़े गए आरोपियों को पुलिस ने कोर्ट में पेश कर दो दिन के रिमांड पर लिया है। नारकोटिक सेल इंचार्ज और उनकी टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि आरोपी पिछले कुछ समय से नशे की गोलियां बेचने का अवैध कारोबार कर रहा था, जो काफी मात्रा में नशे की गोलियां लेकर अपने साथ आया। पुलिस पूछताछ के दौरान आरोपी ने बताया कि वो पिछले कुछ समय से नशे की गोलियां बेचने का काम करता है। पुलिस का कहना है कि नशे के कारोबार के पूरे नेटवर्क का पता लगाया जा रहा है। बाकी आरोपियों को भी गिरफ्तार किया जाएगा। रतिया में मिठाई विक्रेताओं की फूड सेफ्टी अधिकारियों ने बैठक ली है। बैठक के दौरान फूड सेफ्टी अधिकारियों ने सख्त निर्देश दिया है कि मिठाई विक्रेता को मिठाई काउंटर पर मिठाई बनने की तारीख और एक्सपायरी डेट लिखनी होगी। फूड सेफ्टी जिलाधिकारी ने मिठाई विक्रेताओं से कहा है कि ऐसा नहीं करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मिलावटी मिठाई बेचने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा। त्योहारों के सीजन के दौरान पंजाब से कई विक्रेता नकली मिठाई क्षेत्र में सप्लाई करते हैं, जिसको लेकर फूड सेफ्टी विभाग ने बैठक ली है और चेतावनी दी कि गड़बड़ी पाए जाने पर बख्शा नहीं जाएगा। उचाना में मिलावटी दूध से पनीर, मावा, खोया आदि धड़ल्ले से बनाए जा रहे हैं और बेचे जा रहे हैं। प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग मिलावटखोरों को रोकने में नाकाम साबित हो रहा है। रात के समय में दूध में रिफाइंड तेल, अरारोट पाउडर, शैंपू, घटिया चीनी और कई दिन पुराने खीस को मिलाकर दूध का घोल बनाया जा रहा है और फिर इस दूध से नकली खोया, मावा और पनीर बनाया जा रहा है। सिरसा में खेल स्टेडियम धूल भांग रहे हैं। देखरेख न होने के कारण भवन खस्ताहाल हो चुके हैं। संसाधनों के अभाव में प्रशिक्षण लेने आने वाले युवा भी खेल परिसरों में आने से कतराने लगे। स्टेडियम में ना तो कोई सफाई कर्मचारी है और ना ही कोई बिजली कर्मी है। प्रशिक्षण के लिए स्टेडियम में रखा गया सामान भी बिखरा पड़ा है। एकमात्र सफाई कर्मचारी होने से सफाई व्यवस्था बुरी तरह से चरमराई। स्टेडियम के चौकीदार का कहना है कि यहां पर स्थायी तौर पर सफाई कर्मचारी नहीं है, सिर्फ एक ही सफाई कर्मचारी है जो दो स्टेडियम की सफाई करता है, लेकिन कई कई दिन बीत जाने के बावजूद भी सफाई कर्मचारी यहां पर नहीं आते। भवानीखेड़ा में मांगे पूरी नहीं होने पर नगरपालिका सफाई कर्मचारियों में रोष है। नगरपालिका कार्यालय के सामने दो दिवसीय भूख हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि मांगे पूरी नहीं हुई तो कैबिनेट मंत्री का घेराव करें। सफाई कर्मचारियों को पक्का करने, 4,000 रुपए जोखिम भत्ता लागू करने और समान काम समान वेतन लागू करने समेत कई मांगों को लेकर कर्मचारी भूख हड़ताल पर। नगरपालिका कर्मचारी संघ के आह्वान पर नगर परिषद अंबाला में कर्मचारी 24 घंटे की भूख हड़ताल पर बैठे हैं। प्रदेश उप प्रधान की अध्यक्षता में 11 कर्मचारियों ने भूख हड़ताल की।
उपप्रधान का कहना है कि सरकार उनकी मांगों को बहुत समय से टाल रही है और उन्हीं को मनवाने के लिए वो दो दिन की भूख हड़ताल पर बैठे हैं। अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो कैबिनेट मंत्री के आवास का घेराव करेंगे। कनीना में बिजली कर्मचारियों ने बिजली कर्मचारियों को निलंबित किए जाने के मामले को लेकर सांकेतिक धरना दिया है। सरकार के खिलाफ नारेबाजी। कर्मचारियों ने मांग की है कि निलंबित कर्मचारियों को तुरंत बहाल किया जाए। कर्मचारियों की नियमित मांगों को नहीं माना गया तो कर्मचारी संगठन आर पार की लड़ाई लड़ने को मजबूर। बिहार के ठगों ने भारतीय सेना, सशस्त्र बल और रेलवे आदि में नौकरी लगवाने के नाम पर 25 युवकों से 1,35,00,000 रुपए की धोखाधड़ी की है। शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। पुलिस ने भवानीखेड़ा निवासी ऑटो रिक्शा ड्राइवर की शिकायत पर बिहार के 3 व्यक्तियों और महिलाओं के खिलाफ मामला दर्ज किया है। ठगी का शिकार हुए ज्यादातर युवक ऑटो रिक्शा चलाने का काम करते। शिकायतकर्ता ने बताया कि उसे आरोपी ने अपनी पहचान बिहार के पटना निवासी के तौर पर बताई है। नौकरी लगवाने के नाम पर 6,00,000 रुपए अपने खाते में जमा कर दिए। कैथल में महिला के साथ जेठ और एक व्यक्ति ने दुष्कर्म किया है। वारदात की शिकायत पीड़िता ने पुलिस को दी है। आरोप है कि पुलिस ने केस दर्ज करने से इनकार कर दिया और कुछ दिनों में फर्जी कहकर खारिज कर दिया। पीड़ित इंसाफ के लिए एसपी कार्यालय में परिवार सहित आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। पीड़िता का आरोप है कि पुलिस ने उसकी सुनवाई नहीं की और उसकी शिकायत पर कार्रवाई नहीं की जा रही। यमुनानगर में जेजेपी नेता के बेटे पर सत्ता की खुमारी का वीडियो सामने आया। जेजेपी के जिला अध्यक्ष अर्जुन सिंह के बेटे भूपेंद्र सिंह का बुढ़िया थाने के एसएचओ पर पिस्टल तानने का एक वीडियो सामने आया। पुलिस ने खनन से जुड़ी सामग्री पर कार्रवाई करते हुए एक ट्रैक्टर ट्रॉली को रोका। इस दौरान जेजेपी नेता का बेटा मौके पर पहुंचा, एसएचओ से भिड़ गया। पुलिस भूपेंद्र को समझाती है लेकिन वो नहीं मानता। नोकझोंक और धमकी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस मामले में जेजेपी नेता अर्जुन सिंह अपने बेटे का बचाव करते हुए नजर आए। झज्जर में रोडवेज बस और ट्रक में टक्कर हो गई। सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। मृतकों में बस और ट्रक ड्राइवर के अलावा एक सवारी भी शामिल है। आधा दर्जन सवारियों को गंभीर चोट आई। हादसा झज्जर बहुझोलरी मार्ग पर नौगावा के पास हुआ है। रोडवेज की बस चंडीगढ़ के लिए निकली थी, रास्ते में तेज रफ्तार से आ रहे ट्रक की से टक्कर हो गई। पुलिस ने घायलों के बयान के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है। करनाल में तेज रफ्तार ट्रॉले ने टमाटर की फसल से भरे टेम्पो में जोरदार टक्कर मार दी। हिमाचल से दिल्ली मंडी में अपनी फसल बेचने के लिए जा रहे थे 2 किसानों और एक टेम्पो ड्राइवर को ट्रॉले चालक ने कुचल दिया। हादसे में 3 की मौत हो गई है। पुलिस ने 3 के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। कल्पना चावला हॉस्पिटल भिजवाया गया। मामले की जांच शुरू की। गुरुग्राम में सोना रोड पर गाड़ी में आग लग गई। गाड़ी में बैठे व्यक्ति की जलकर मौत हो गई। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। मृतक की पहचान कमरपाल उर्फ सोनू के रूप में हुई है। मृतक सोना में अस्पताल जा रहा था। मृतक के परिजनों ने हत्या की आशंका जताई। यमुनानगर के नेहरू पार्क में सार्वजनिक समारोह किया गया जिसमें शहीद सभी 7 पुलिस कर्मचारियों के परिजनों को आमंत्रित किया गया। विधायक घनश्यामदास अरोड़ा, पुलिस अधीक्षक कमलदीप गोयल सहित पुलिस अधिकारियों और समाज के बाकी वर्ग के लोगों ने कार्यक्रम में मुख्य रूप से हिस्सा लिया। विधायक घनश्याम अरोड़ा ने कहा कि देश और समाज के लिए शहीद हुए जवानों को याद किया जाना चाहिए, हमें उन पर गर्व। नहीं होगी डीएलएड की ऑनलाइन परीक्षा, जिसे लेकर बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर जगबीर सिंह ने बताया कि कुछ अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन और ऑफलाइन परीक्षा के लिए याचिका दायर की। देश में 24 घंटे में 42,784 नए केस मिले हैं। 510 मरीजों ने जान गंवाई। कुल आंकड़ा 79,00,000 के पार हो गया है। अभी 6,00,000 से ज्यादा केस एक्टिव। हरियाणा में कोरोना मरीजों का आंकड़ा हुआ 1,60,000 के पार। पिछले 24 घंटे में मिले 1,248 नए मरीज। 13 की मौत। एक्टिव केस 10,452 से ज्यादा।
गुरुग्राम में कोरोना संक्रमण के 346 नए केस मिले हैं, 244 मरीज ठीक भी हुए हैं। जिले में अब 2988 केस एक्टिव हैं, 28321 कोरोना के कुल केस सामने आ चुके हैं। फरीदाबाद में कोरोना संक्रमण के 190 केस मिले हैं, जबकि 158 मरीज ठीक भी हुए हैं। जिले में अब 951 केस एक्टिव हैं, 24289 कोरोना के कुल केस सामने आ चुके हैं। नूह में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 11 नए मामले सामने आए, तो वहीं कोरोना से 13 मरीज ठीक भी हुए हैं, जिसके बाद जिले में कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या 21 हो गई है। तमिलनाडु में कोरोना से हाहाकार, एक दिन में आए 2522 नए केस, अब भी 27734 से ज्यादा केस एक्टिव, अब तक 10983 से ज्यादा की मौत। उत्तर प्रदेश में कोरोना से लोगों का बुरा हाल, एक दिन में मिले 1986 नए केस, अब तक 4,40,847 से ज्यादा मरीज हुए ठीक, 26,267 केस एक्टिव। दिल्ली में लगातार बढ़ रहा है कोरोना का संक्रमण, 24 घंटे में सामने आए 4853 नए केस, 44 लोगों की हुई मौत, 27873 से ज्यादा केस है। आंध्र प्रदेश में एक दिन में आए कोरोना के 2901 नए केस, मरीजों का आंकड़ा हुआ 8,11,000 के पार, 27,000 से ज्यादा केस है। पूरी दुनिया में कोरोना के आंकड़े हुए 4,42,00,000 के पार, अब तक 11,71,000 से ज्यादा मरीजों ने गंवाई जान, पूरी दुनिया में अब 1,00,00,000 के पार कोरोना के एक्टिव केस। अमेरिका में कोरोना ने जमकर मचाई तबाही, कुल मरीजों की संख्या हुई 90,00,000 के पार, अब तक 58,77,000 से ज्यादा मरीज थे। कोरोना के मामले में पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर ब्राजील, अब तक 1,57,000 से ज्यादा मरीजों ने कोरोना के चलते गंवाई जान, कुल मरीजों की संख्या हुई 54,40,000। रूस में कोरोना के मरीजों की लगातार बढ़ रही है संख्या, कुल मरीजों की संख्या हुई 15,47,000 के पार, अब भी 3,62,000 से ज्यादा केस एक्टिव, 26,589 के। बिहार चुनाव के पहले चरण की 71 विधानसभा सीटों पर वोटिंग जारी है, कोरोना संकट के बीच बिहार में हो रहे चुनाव में मतदाताओं को अधिक से अधिक बूथ तक ले जाना और वोटिंग प्रतिशत बढ़ाना एक चैलेंज है। मुंगेर के तारापुर विधानसभा क्षेत्र में मतदान केंद्र पर ईवीएम खराब होने के कारण 1.5 घंटे से मतदान रुका हुआ है। जम्मू कश्मीर में सेना ने आतंकियों का सफाया किया, बड़गाम एनकाउंटर में सेना के जवानों ने 2 आतंकियों को ढेर कर दिया है, बाकी आतंकियों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। हरियाणा के कानूनों से अब पंजाब का नाम हटने वाला, इसके लिए एक अधिनियम लाया गया है, एक अधिनियम से 163 कानूनों से पंजाब का नाम हटेगा। इस सिलसिले में विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने मामले को लेकर कमेटी के साथ बैठक की है। ज्ञानचंद गुप्ता के मुताबिक कमेटी ने तेजी से काम करना शुरू कर दिया और जल्द ही सकारात्मक परिणाम आए। इस अहम बैठक में विधानसभा स्पीकर समेत मुख्य सचिव और विधि विभाग के अफसर भी मौजूद रहे। पानीपत में भी दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, फैक्ट्री से काम कर घर लौट रही एक महिला के ऊपर बाइक सवार 2 बदमाशों ने तेजाब फेंक दिया और मौके से फरार हो गए। बताया जा रहा है कि महिला ने छेड़छाड़ करने का विरोध किया, जिसके बाद बदमाशों ने उसके मुंह पर तेजाब फेंक दिया। महिला को घायल हालत में अस्पताल लाया गया, जहां से डॉक्टर्स ने उसे रोहतक PGI रेफर कर दिया।
पानीपत में महिला पर एसिड अटैक का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। सीसीटीवी में नजर आ रहा है कि मोटरसाइकिल सवार दो अज्ञात बदमाशों ने महिला पर तेजाब फेंक दिया और मौके से फरार हो गया। पलवल में फर्जी सरकारी अफसर बनकर दुकानदारों के पैसों की उगाही करने वाले चार आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपियों ने दो दुकानदारों के चालान का डर दिखाकर 8,000 रुपए ऐंठे थे। पुलिस ने पीड़ित दुकानदार की शिकायत पर कार्रवाई को अंजाम दिया। पंचकुला पुलिस ने इंटरनेशनल सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है। देह व्यापार के मामले में शामिल चार आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। मौके से उज्बेकिस्तान और तुर्की के चार लड़कियों को पुलिस ने दलालों के कब्जे से छुड़वाया। सोनीपत के गांव मनोली में चोरों ने निजी बैंक के एटीएम को निशाना बनाया। चोरों ने एटीएम लूटने के बाद उसे आग के हवाले कर दिया। एटीएम लूट की वारदात को अंजाम देने वाले चोर पास की दुकान में लगे सीसीटीवी में आते हुए कैद हो गए हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी।